Hey guys, welcome back to my YouTube channel once again. मैं काफ़ी टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी यूट्यूब में बिकॉज आई वॉज लिटिल बिजी इन माई सम पर्सनल स्टफ बट नाउ इट्स ऑल सॉर्टेड ऑफ एंड आई एम फाइनली बैक. सो टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू कर्ल योर हेयर विदाउट यूजिंग एनी थ्री प्रोडक्ट्स लाइक आयरन और हीट कलर एवरीथिंग. सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों को कैसे लूज कर्ल कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी हीट प्रोडक्ट्स. और बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्विक हो जाता है. जस्ट आपको सो मैं बताई क्यों रही हूँ, चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है. एज यू कैन सी माई हेयर, मैंने कुछ साल पहले अपने बालों में रिबॉन्डिंग करवाई थी जिसकी वजह से मेरे नीचे के बाल जो हैं वो सीधे हैं और ऊपर के बाल मेरे जो मेरे नेचुरल हेयर है वो है. सो ऐसे में क्या होता है ना कि आप स्ट्रेट बाल तो रख नहीं सकते और मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ प्रेस करना अपने बालों को. सो द बेस्ट थिंग कि आप अपने बालों को कर्ल करके रखो. और कर्ल अगर विदाउट यूजिंग एनी हीट प्रोडक्ट्स के हो रहा है सच्ची बात तो हो ही नहीं सकती. आज मैं आपको बताऊँगी. सो आपको कुछ नहीं चाहिए, ओनली थ्री आइटम्स. मेन इम्पॉर्टेंट पानी का स्प्रे बॉटल, इसमें मैंने नॉर्मल पानी डाला है. एंड ये हेयर पिंस हैं, बॉबी पिंस एंड वन रबर बैंड. फर्स्ट यू हैव टू कॉम योर हेयर प्रॉपरली. आपको अच्छे से अपने बालों को कॉम करना है. लाइक दिस, मैंने ऑलरेडी वैसे पहले डाला हुआ. स्प्रे दिस वॉटर इन टू योर हेयर लाइक दिस. नाउ हमें अपने बालों को बिल्कुल हाई पोनी बनानी है. लाइक यहाँ पर अपने बालों को आप अपने हेयर को नीचे की तरफ डाउन करके एक अच्छा सा टाइट पोनी करना है यहाँ पे आपको. सो एज यू कैन सी मैंने बिल्कुल यहाँ पे अपना पोनी बनाया है ताकि अगर हम इसको करने के बाद हम जब स्लीप करें, जब हम सोए तो हमारे बालों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से उलझे नहीं. सो मैंने यहाँ पे बिल्कुल पोनी कर ली है. अब आपको एक पतली सी लेयर लेनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं, लाइक नॉर्मल इतनी ज़्यादा. इसको आपको अच्छे से कॉम करना है और इसमें आपको फिर से स्प्रे करना है. अच्छे से इसको स्प्रे करना है, ये पूरा वेट होना चाहिए. इस तरह से करना है. देन आपको इस तरह से दो फिंगर को लेना है, यहाँ पे रखना है, अपने हेयर्स को इस तरह से राउंड करना है, घुमाना है और ये इस तरह से रख के आपको यहाँ पर ये जो होल बन रहा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में आपको बॉबी पिन लगाना है लाइक दिस, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए. That's it. As you can see, अब हमें इसी तरह से अपने सारे बालों को पतले पतले लेयर में लेके करना है. As you can see, मैंने अपने पूरे बालों को अच्छे से रोल आउट करके उससे पिट अप कर लिया है और मैंने इसको अच्छी तरह से करने से पहले अच्छे से इसको वाटर से स्प्रे किया है. अब ये करने के बाद हमें फिर से वाटर लेना है और अच्छे से इसको हल्का हल्का स्प्रे कर देना है. तो अब हमें इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ना है. आपको जस्ट नॉर्मल एक अच्छी सी स्लीप लेनी है एंड देन मॉर्निंग में इसको हमें अच्छे से खोलना है. सॉरी, इसे खोलने के बाद ये अच्छी तरह से कर्ल हो जाएगा. तो मैं अभी तो आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखा सकती हूँ. सो चलो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए एंड इसका रिजल्ट मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी. बाय बाय. सो इट्स मॉर्निंग एंड इट्स अराउंड 10 AM एंड आई जस्ट वेक अप. सो लेट्स सी, लेट्स
open this. मेरा एक बाल तो वैसे रात को ही मेरे ख्याल से ख़राब हो चुका था, but never mind. मैं और सारे पिंस ओपन करके दिखाती हूँ आपको. मैंने सारे पिंस ओपन कर दिए, एक रह गए जस्ट अ सेकंड. अब हमें इस रबर बैंड को ओपन निकाल देना है. सो यू कैन सी माय गर्ल. सो हियर इज द रिजल्ट्स. So amazing, just so I just love this curl. क्योंकि इसमें first thing कोई भी heat use नहीं होती है, सिर्फ water और just आपको overnight इसे छोड़ना है and you got this beautiful curls. Yes. So yeah, just try this. Definitely try करने का बनता है. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, please like this video, share and do not forget to subscribe to my channel. Till then, bye bye.